प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना जी। साध संगत जी, आज समागम के तीसरे दिन भी आप सब महापुरुषों ने महापुरुषों के गीतों का, प्रवचनों का और कविताओं का आनंद लिया और दुनिया के कोने कोने से आके इस समागम की शोभा बढ़ाई। आपने कवि दरबार में भी सुना, निरंकार का ले आधार, जीवन हो गुरमत अनुसार। जब तक हम इस निरंकार का आधार नहीं लेते, हम कभी एक गुरमुख या गुरमत वाला जीवन नहीं जी पाते। अपनी मनमर्जी के साथ अगर जीते हैं तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम अपना भी और औरों का भी नुकसान करते हैं। साध संगत जी, हम देख रहे हैं आजकल दुनिया में इतनी तरक्कियां हो रही हैं, देयर सो मच प्रोग्रेस इन दिस वर्ल्ड, पर उन तरक्कियों के बावजूद भी इंसान के दिलों में टेंशन या अशांति सी है, क्योंकि वो अपनी प्रोग्रेस तो बर्दाश्त कर रहा है पर अगर किसी दूसरे की थोड़ी सी भी प्रोग्रेस हो जाती है तो वो उससे बर्दाश्त नहीं होती और उसके लिए वो टेंशन में आ जाता है। टेक्नोलॉजी के कारण दुनिया बहुत छोटी हो गई है, पर इसी टेक्नोलॉजी ने सबके दिल भी बहुत छोटे कर दिए हैं। हर कोई हर चीज़ अपने अकॉर्डिंगली समेटना चाह रहा है, चाहे वो दुनिया में कंट्रीज़ के बॉर्डर्स हों, स्टेट्स के बॉर्डर्स हों, लैंग्वेजेस हों, कास्ट हों, क्रीड्स हों, काले और गोरे रंगों के कारण हों। साध संगत जी, एक बार शायद दासी ने पहले भी कहा था, द ओनली थिंग दैट शुड बी सेपरेटेड बाय कलर इज लॉन्ड्री, क्योंकि अगर हम कपड़े रंग बिरंगे इकट्ठे डाल देते हैं तो वो रंग खराब हो जाते हैं, बट इट शुड नॉट बी ऑन एनी अदर बेस। साध संगत जी, मटीरियल प्रोग्रेस इज नॉट द ओनली थिंग दैट इज सफिशेंट टू मेक द वर्ल्ड ग्रोथ। इस मटीरियल वर्ल्ड के साथ एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हमको चाहिए, एंड दैट द ओनली वे टू डू दैट इज मेक द सोल रियलाइज द सुपर सोल। इस ब्रह्म ज्ञान के आधार पे ही ये सब कुछ हो सकता है। कहीं पे एक लाइन पड़ी है कि आओ पहन ले सब आईना, ताकि हर एक को अपनी ही शक्ल नज़र आए। साध संगत जी, आप महापुरुषों को तो इस ज्ञान रूपी आईना मिला हुआ है, हर एक में निरंकार को देखते हैं, हर एक में अपने को ही देखते हैं। बाबा जी भी फरमाते थे, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। इधर सत्संग में बैठ के ये जो पॉजिटिविटी, ये जो भक्ति की बातें हम कर रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, इसे हमने बनाए रखना है। सिर्फ ये यहीं तक नहीं, इसे अपने साथ अपने घर में, अपनी गली में, अपने शहर तक में लेके जाना है। और साध संगत जी, योर बिलीव्स डोंट मेक यू अ बेटर पर्सन, बट योर बिहेवियर डज। बिलीविंग इज हाफ द बैटल वन, बट वेन यू पुट योर बिलीव्स इन टू योर वर्ड्स एंड एक्शंस, ओनली देन इट शोज यू आर निरंकारी। साध संगत जी, हम अक्सर कह देते हैं हमें निरंकार पे पक्का विश्वास है, यह भी कह देना काफ़ी नहीं है। अगर विश्वास है तो फिर हमारे कर्म भी वही होने चाहिए जैसे बाबा जी ने हमसे हमेशा चाहा। साध संगत जी, अभी आपने चड्डा साहब से समालखा या गन्हौर की ज़मीन के बारे में भी सुना और बाबा जी ने उस ज़मीन का खुद बैठ के इतना समय लगा के पूरा नक्शा तैयार खुद किया, कहाँ पे समागम करने के लिए संगत पंडाल बनना है, वो अबाउट 12 एकर्स लैंड के अंदर समागम पंडाल बनाने का ध्यान था बाबा जी का, या उधर कहाँ पे सरोवर के लिए कौन सी जगह चूज़ करी उन्होंने, एक म्यूज़ियम के लिए भी उधर बाबा जी ने एक एरिया अलग बना के रखा हुआ था। साध संगत जी, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट, सबके मिले जुले, सबेरे भी दासी ने यही कहा कि सबके मिले जुले योगदान से ही हो पाएगा, और बाबा जी का यही ध्यान था कि वो इतना अच्छा एक लैंडमार्क बने ताकि वो जीटी करनाल रोड जो है या
इवन आगे कश्मीर से या पंजाब से उस सड़क पे एक बहुत खूबसूरत लैंडमार्क बन पाए। सात संगत जी, हम सब मिलके बाबा जी के एक यही सपने को नहीं पर जो जो बाबा जी ने हमसे चाहा वो एक एक सपना सब मिलके पूरा कर पाएँ। प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद।